उदाहरण 11, इन प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। पहला, 27 की घात 2/3। संख्या 27 का घात 2/3 का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 27 कोष्ठक में लिखें और 2/3 के घात को हम लिखेंगे 2 × 1/3। अब हम 27 का घात 2 × 1/3 में 2 को कोष्ठक के अंदर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 27 का घात 2 और कोष्ठक के बाहर हम लिखेंगे घात में 1/3। चूँकि नियम में हमने घातांक में देखा है कि a का घात m का घात n बराबर a का घात m गुणित n होता है, तो हमने यहाँ पे इसको विपरीत लगाया है कि a का घात m गुणित n को हमने a का घात m का घात n, तो हमने इस m को कोष्ठक के अंदर लिया है। इस नियम से, घातांक के इस नियम से हमने 2 को कोष्ठक के अंदर लिखा। अब हम 27 के घात 2 को 27 × 27 लिख सकते हैं और इसका घात 1/3 है। यहाँ पे हम 27 का गुणनखंड जब करेंगे तो हमें 27 को 3 × 3 × 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 9 और 9 × 27, तो 27 के बदले हमने लिखा 3 × 3 × 3। पुनः 27 के लिए हम 3 × 3 × 3 लिखेंगे। अभी कोष्ठक हमारा बंद है और इसके बाद हमारे पास घात में है 1/3, तो हमारे पास 3 जो है कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 घात के रूप में हम 3 का घात 6 लिखेंगे। कोष्ठक के बाहर हमारे पास घात में 1/3 है। अब कहीं हम इसमें नियम लगाएंगे, जब घात का गुणा होगा तो 3 का घात 6 गुणित कोष्ठक खोलेंगे तो घात आपस में गुणा होंगी। नियम हमने लगाया है पुनः a का घात m का घात n बराबर a का घात m गुणित n। तब यहाँ पे हमारे पास 6 अंश में है गुणित 1/3, यहाँ 3 हर में है, तो यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं। 3 × 3, 3 × 6, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3 का घात 2 बराबर 3 × 3 × 3 = 9। यह उदाहरण का हल होगा। दूसरा, 32/243 की घात 4/5। हमें 32/243 का घात 4/5 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले 32/243, यहाँ पे घात 4/5 को हम 4 × 1/5 लिखेंगे बराबर 32/243 का घात 4 और इसे हम बड़े कोष्ठक के बाहर में 1/5 लिखेंगे। यहाँ पे हमने घातांक का नियम लगाया है, a का घात m का घात n बराबर a का घात m गुणित n, इसको हमने उल्टी दिशा में प्रयोग किया है बराबर। अब हम 32 को लिख सकते हैं 2 का घात 5 और 243 का जब हम गुणनखंड करेंगे
तो हमें प्राप्त होगा 3 का घात 5, का घात 4 है और बड़े कोष्टक के बाहर हमारे पास घात के रूप में 1/5 है। बराबर, जब हम छोटे कोष्टक को खोलेंगे तो यह जो घात है 4, वो अंश और हर के घात से गुणा होंगी, तो हमें प्राप्त होगा 2 का घात 5 × 4/3 का घात 5 × 4 और बड़े कोष्टक के बाहर में हमारे पास घात में 1/5 है। हमने यहाँ पे घातांक का नियम a/b·m = a·m/b·m का प्रयोग किया है। इसके आगे हम इसे अगले पृष्ठ में देखते हैं। हमें प्राप्त हुआ था 2 का घात 5 × 4/3 का घात 5 × 4 का घात हमारे पास है 1/5। इसे हम लिखेंगे 2 का घात 5 × 4, ये हो गया हमारा 20, 3 का घात 5 × 20 का घात है हमारे पास 1/5। अब हम जब कोष्टक को खोलेंगे तो हमारा जो घात 1/5 है वो अंश के घात से भी गुणा होगा और हर के भी घात से गुणा होगा, तब यहाँ पे हमारे पास प्राप्त होगा 2 का घात 20 × 1/5 / 3 का घात 20 × 1/5। हमने यहाँ पे घातांक का नियम a/b·m, जिसे हम भाग का नियम भी कहते हैं, a·m/b·m के रूप में लिया। बराबर, 2 के घात में 20 × 1/5 में यहाँ पे 5 × 5 = 5, 5 + 20 कटेगा तो हमें प्राप्त होगा 2 का घात 4 / 3 का घात 5 × 5, 5 + 20 तो हमें 3 का घात 4 मिलेगा। अब हम 2 का घात 4 को 2 × 2 × 2 × 2 / 3 का घात 4 को 3 × 3 × 3 × 3 के रूप में लिखेंगे। अब 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81 तो हमें 16/81 प्राप्त हुआ। यह उदाहरण का हल होगा।